हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं, आप कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले महिला की प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसके मन में यही सवाल आता है कि हमारी डिलीवरी जर्नी कैसी रहेगी, हमारी डिलीवरी कैसे होगी, हमारा बच्चा स्वस्थ होगा या नहीं। उसके मन में काफ़ी सारी कल्पनाएँ वो करने लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, समय आगे बढ़ता जाता है, महिला की चिंता और बढ़ने लगती है, क्योंकि उस समय बच्चा काफ़ी टमी के अंदर बड़ा हो जाता है, काफ़ी महिला भी हष्ट पुष्ट हो जाती है और साथ ही धीरे धीरे डिलीवरी का जो समय है वो नज़दीक आता है कि अभी 5 मंथ और बचे हैं, 4 कंप्लीट हुआ तो इतने मंथ, 5 महीने हुए तब 4 महीने और बचे हैं, हमारी डिलीवरी कैसे होगी। तो आज की इस सभी कंफ्यूजन को आपको ये वीडियो ज़रूर दूर कर देगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें। सबसे पहले तो ये आपके मन से डर निकाल दीजिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन से होगी। देखिए, आपने कितनी भी महिलाओं को देखा होगा, आप उनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, महिला हष्ट पुष्ट हो या कमज़ोर हो, सबकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और सभी को अच्छे से हुई है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उस समय, लेकिन उसके बाद भी नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से हो जाएगी। उनको देख कर कुछ आप मोटिवेट होइए, उनको देख कर कुछ आप समझ सकते हैं कि प्रभु ने हमको ये वाली चीज़ दी है कि हम उस चीज़ को फेस कर सकें, उस दर्द को सहन कर सकें, हमारी अच्छे से डिलीवरी होगी और हष्ट पुष्ट बच्चा हमारे हाथ में रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे। आप जितना ज़्यादा किसी और को देख के मोटिवेट होते हैं, उतना अच्छा आपको सीखने को मिलता है। सेकेंड बात ये कि डिलीवरी के डर में हमेशा कुछ महिलाएं बताती हैं हमको ऐसे डिलीवरी हुई थी, हमको इतना पेन हुआ था। आप ये चीज़ ना सोचें, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको कम पेन होता है और जल्दी डिलीवरी हो जाती है। कुछ कुछ महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। आपकी डाइट को अच्छा रखेंगे, आप अच्छा खाएँगे पियेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से भी होगी और बच्चे का वेट भी अच्छा रहेगा और आपको रिकवर होने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड बात ये कि हमेशा जो डेट आपकी दी हुई रहती है अल्ट्रासाउंड के हिसाब से, आप उसको याद रखिए। कभी कभी कुछ महिलाओं की डिलीवरी जल्दी हो जाती है, कुछ उनको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे पानी की थैली फट गई या उनको डिस्चार्ज होने लगा या पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगा। देखिए, कुछ महिलाओं को 7वें महीने में भी डिलीवरी हो जाती है, तो ये वेट ना करें। ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं कि 9th मंथ दिया हुआ है, 9th मंथ की डेट है, ये एक डॉक्टर अनुमान लगाते हैं, पूरी तरीके से वो भी जज नहीं कर सकते कि आपके 9th मंथ में 4 तारीख को दिए तो 4 को ही हो सकती, हो सकता है आपको उससे पहले हो जाए, 1 तारीख को हो जाए, 30 तारीख को हो जाए या 4 के बाद भी आपको डिलीवरी हो सकती है। तो हो सकता है आपको 7वें 8वें 9वें 3 महीने में डिलीवरी होती है, 7th मंथ में थोड़ा कम प्रतिशत रहता है, 100 में से 10%, लेकिन हो सकता है 10% में आप भी कोई महिला आती हो। तो आपको जब भी ऐसा पेन होता है, सहन करने की नहीं बन रही है, बच्चे की मूवमेंट फील नहीं होती है, तब आपको तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। भले ही वो आपका 7 मंथ हो, 8 मंथ हो या 9th मंथ हो, डिलीवरी डेट भले ही कितनी भी दूर क्यों ना हो, ऐसे सिम्टम्स में हो सकता है आपकी डिलीवरी हो जाएगी। नेक्स्ट बात हम ये करते हैं कि डिलीवरी के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। आपको कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेन होते हैं हल्के, तो आपको रुक जाते हैं कुछ समय के लिए, तो उस समय आपने जो डाइट है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में, लेबर रूम में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है बच्चे को बाहर लाने के लिए। तो उस समय आप कुछ भी खा सकते हैं, अपनी पसंद का खा सकते हैं, लिक्विड की मात्रा को ले सकते हैं, पानी थोड़ी थोड़ी देर में ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि बच्चा पानी की थैली के अंदर रहता है, इम्यूनिटिक शेक के अंदर रहता है, तो उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और जो उसकी सांस, सभी चीज़ें उसी थैली से मिलती हैं, तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है। और साथ ही आपको जो भी आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं उनको भी साथ में रखना है, कुछ इश्यूज होता है तो उनकी टेबलेट ले सकते हैं। अब हम यहाँ जानते हैं कि जो 1 दिन वाले लेबर सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं। देखिए, पेट जो है नीचे की तरफ तो आपको झुका हुआ रहेगा, ये तो आपका 8 मंथ में ही हो जाता है, जैसे बेबी हेड डाउन पोजीशन कर लेता है। आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको म्यूकस प्लग भी दिखाई दे सकता है। जितनी बार आप यूरिन के लिए जाएंगे, रेड दिखाई देगा या तो ऐसा थोड़ा मैला जैसा दिखाई देगा,
या थोड़ा वाइट दिखाई देगा, उसमें येलो येलो क्रैश दिखाई देंगे आपको, इस तरीके के दिखाई दे सकते हैं। साथ ही पेट में ऐठन दिखाई देगी, चुभन दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा आपको उठने बैठने में दिक्कत आएगी, फ्रेश होने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। आप फ्रेश होने जाएंगे लेकिन लगेगा नहीं कि आपको फ्रेश होना है। ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ जाता है।